पोटली बैग बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है, वेलवेट का ही है, जिसकी लंबाई तो 17 है और चौड़ाई जो है वो 12 इंच है, लंबाई 17 है। और लाइनिंग का कपड़े से 2 इंच एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक है। तो सबसे पहले मैं लंबाई की साइड से एक सिलाई लगा देती हूँ। अस्तर के कपड़े को लेके और मेन फैब्रिक को लेके एक ऊपर से भी लगा देते हैं इस तरह से। देखो लंबाई तो है मेरी ये 16 है और इसकी चौड़ाई जो है वो लगभग 12 इंच है। ये तो मेरा मेन है फैब्रिक है, और जो मैंने अस्तर के लिए फैब्रिक लिया है उसकी चौड़ाई मेरी 2 इंच कम है। उसका भी मैं रीजन बताऊंगी, पहले हम देख लेते हैं। अगर इस पे चाहो तो आप फॉर्म लगा सकते हो जिससे थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा रह जाएगा, बाकी अगर चाहो तो आप ना भी लगाओ। तो मैं इसमें लगा देती हूँ चारों तरफ से एक सिलाई लगा के, और इस तरह से मैंने इसके ऊपर फॉर्म जो है वो लगा ली है। अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी और एक सिलाई ऐसे पूरी लंबी, ध्यान से देखना, पूरी ऐसे सिलाई लगेगी, यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पर ऐसे सिलाई लगेगी। तो ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब दोनों साइड से मेरा खुला हुआ है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। अब मैं इसको जो है इस तरह से फोल्ड करूँगी कि मेरा लाइनिंग का कपड़ा ऊपर रहे। इस तरह से और मैं इसका नीचे का जो बेस होता है ना, इसको पहले सीधा करके सेट कर लूँगी। उसके बाद जो इस यहाँ पे हमें एक जोड़ना है गोल गोल में या गोलाई में, तो उसके लिए मैं नीचे कपड़ा बिछा लूँगी और उसके ऊपर ऐसे रख के और निशान लगा लूँगी इस तरह से। ये ऐसे निशान मेरे रख के मैंने इसे निशान लगा लिए थे और अब मैं इसको कट कर दूँगी। इसके बाद मैं इसको जोड़ दूँगी। पहले तो आप पिन अप कर लो इसको या पिन से सेट कर लो, या डायरेक्ट आप सिलाई से भी कर सकते हो। मैं इसको पहले पिन से कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने ये सिलाई लगा ली है, अब मैं इसको सीधा कर दूँगी। इस तरह से ये मेरा सीधा हो चुका है। अब मैं एक सिलाई जो है डोरी डालने के लिए ऊपर लगाऊंगी, क्योंकि पोटली बैग तो मेरा बन चुका है यहाँ पे, ताकि मैं इस ये ऐसे हो जाए और इसमें डोरी डल जाए। तो ये मैंने छोटा जो लाइनिंग का कपड़ा था ये इसीलिए लिया था ताकि ऊपर से ये प्लेन फैब्रिक ना दिखे। तो इस तरह से मैंने ये दो सिलाई लगा ली है और इसके अंदर अब मैं डोरी इंसर्ट कर दूंगी। ये देखिए, तो जहाँ पे मेरी सिलाई थी वहाँ से मैं दो टक की सिलाई के निकाल के और वहाँ से मैं पिन से डोरी डाल लूँगी इसके अंदर, जैसे हम सलवार में नाड़ा डालते हैं वहीं से, वैसे ही उसी तरह से। ये देखो, ये मैंने दो टक के जो है वो सिलाई के तोड़ लिए हैं यहाँ पे, और यहाँ से मैं पिन से डोरी को डाल लूँगी। थोड़ा धीरे धीरे करके, टाइम तो लगेगा इसमें क्योंकि मैंने इसके अंदर फॉर्म डाल रखी, तो ये मजबूत थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा है। आप
फोम अगर डालना चाहो तो ये नीचे नीचे डालना, जहाँ पे ये मैंने सिलाई लगाई उससे नीचे डालना, क्योंकि ये मैंने गलती की कर दी है, ऊपर भी ये जो फोम लगा दी है ना, तो ये इससे थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा हो गया। ये मैंने डोरी डाल ली है और डोरी को मैं कट कर दूँगी, और डोरी के इसमें मैं लटकन लगा दूँगी कपड़े की। आप चाहे तो रेडीमेड ला के भी लगा सकते हो, पर्ल से बना सकते हो। तो इस तरह से मेरा पोटली बैग तैयार है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। बाय।